हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हमारा टॉपिक है डक्ट। डक्ट क्या होता है, डक्ट के कितने टाइप है और उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डक्ट। डक्ट क्या होता है। डक्ट एक तरीके का पाइप होता है, पैसेज होता है, जिसके अंदर हम लोग एयर को डिलीवर करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग सप्लाई एयर के लिए भी कर सकते हैं, रिटर्न एयर के लिए भी और एग्जॉस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जो डक्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो डक्ट को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन वेलोसिटी, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड शेप के हिसाब से। अगर आप डक्ट और डक्ट का यूज क्यों करते हैं अगर आप वो देखना चाहेंगे तो, अगर मान लीजिए आपका सपोज करिए तीन एरिया है आपका, जोन वन, जोन टू एंड जोन थ्री। अगर आप इसके अंदर स्प्लिट यूनिट फिट करेंगे तो वो मान लीजिए इसका कूलिंग लोड है 1 TR, तो 1 TR का यूनिट आपको यहाँ पे, 1 TR का यहाँ पे, 1 TR का यहाँ पे, मीन आपको 3 TR टोटल लोड हो रहा है और 1 TR के 3 यूनिट यूज करने पड़ रहे हैं। तो जो आपका कॉपर पाइप होता है वो भी आपका लॉन्ग जाएगा, थ्री टाइम्स जाएगा और आपका जो आउटडोर स्पेस रहेगा वो भी ज्यादा जाएगा। तो उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों को ऐड करके मान लीजिए 3 TR आ रहा है, तो 3 TR का एक कूलिंग यूनिट हम लोग प्लेस करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग डक्टिंग डिजाइन करेंगे और तीनों को सिंगल यूनिट के साथ हम लोग इसको सप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपका जो कॉपर पाइप है वो भी कम होगा और आपका जो आउटडोर स्पेस है वो भी कम हो जाएगा और एक सेपरेट जगह यूनिट रख के आप तीनों रूम को कूल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डक्ट देखेंगे तो जो डक्ट बेस्ड ऑन शेप देखेंगे, रेक्टेंगुलर डक्ट, राउंड डक्ट, ओवल डक्ट एंड स्क्वायर डक्ट में डिवाइस किया जाता है। बेस्ड ऑन प्रेशर देखेंगे तो हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड लो प्रेशर में डिजाइन किया गया है। और बेस्ड ऑन वेलोसिटी देखेंगे तो हाई वेलोसिटी एंड लो वेलोसिटी, दो वेलोसिटी में इसको डिजाइन किया गया है। क्या होता है कि अगर आप रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे लो वेलोसिटी पे हम लोग डिजाइन करते हैं, अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो वहां पे हम लोग हाई वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। अब डक का आप देखेंगे तो जो डक की मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है वो 5 फीट की होती है। अगर आपका मान लीजिए डक का लेंथ ज्यादा है तो आपको एक डक को दूसरे डक के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डक को ज्वाइन करने के लिए हम लोग स्लिप ज्वाइंट यूज करते हैं, ड्राइव ज्वाइंट यूज करते हैं, फ्लांज यूज करते हैं। जो स्लिप ज्वाइंट होता है वो एस शेप की पट्टी रहती है, एक जो डक का एक जो पार्ट डक्ट है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा और जो दूसरा डक्ट है इसके अंदर फिट हो जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग बेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका डक्ट फिट होता है। और जो ड्राइव होता है वो सी शेप का ड्राइव रहता है। जो डक्ट है डक के पार्ट को हम लोग जो एंड पार्ट होता है उसको सी शेप में बेंड करते हैं और उसके बाद इसके साथ हम लोग फिट करते हैं। और इसके अंदर जो इसका दोनों का डिसएडवांटेज है, स्लिप जॉइंट का, ड्राइव जॉइंट का, इसके अंदर जो लीकेजेस होता है बहुत ज्यादा रहता है। जो तीसरा टाइप है वो होता है फ्लांज टाइप, इसको हम लोग टीडीएफ डक्टिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो डक का एंड पार्ट होता है उसके ऊपर हम लोग फ्लांज ऐड करते हैं। फ्लांज क्या होता है, एक फ्लांज दूसरे फ्लांज के साथ हम लोग फिट करते हैं और उसके अंदर हम लोग गैस्केट डालते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जो लीकेजेस होता है बहुत कम हो जाता है और इसको फिर हम लोग नट बोल्ट से फिट कर देते हैं। मटेरियल यूज फॉर डक्टिंग, हम लोग जो सबसे ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं डक्टिंग के लिए वो GI मटेरियल यूज करते हैं। इसकी एक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा कम होता है और इसको जो शेप देना होता है, जैसे स्क्वायर डक्टिंग होगा, रेक्टेंगुलर डक्टिंग होगा, ओवल हो गया, वो किसी भी शेप में हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ये इजिली अवेलेबल है। इसके लिए जो GI डक्टिंग होता है आप मोस्ट ऑफ जगह जो ऑफिस हो गए, रेसिडेंशियल एप्लीकेशन हो गए, कहीं भी देखेंगे तो GI डक्टिंग ही यूज होता है। दूसरा टाइप है एल्यूमिनियम डक्टिंग। एल्यूमिनियम डक्टिंग वहां पे यूज करते हैं जहां, जैसे कि आपका हॉस्पिटल का एप्लीकेशन हो गया, क्लीन रूम हो गया, ICU हो गया, वहां पे यूज करते हैं। जहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है वहां पे एल्यूमिनियम डक्टिंग यूज करते हैं। इसका जो एडवांटेज होता है वो कि इसका जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है बहुत कम होता है, इसके ऊपर रस्टिंग पॉसिबल नहीं है और इसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट इसका ज्यादा है, ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल है, बट इसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसके लिए आप मोस्टली आपको पे क्लीन रूम एप्लीकेशन है वहीं पे यूज किया जाता है और नहीं तो मोस्ट ऑफ जगह जो यूज होता है GI डक्टिंग यूज होता है। तीसरा होता है PI डक्टिंग, मीन प्री इंसुलेटेड मटेरियल होता है। ये मोस्ट बहुत ही तेजी से यूज हो रहा है इसका, कि अभी मोस्ट ऑफ जगह देखेंगे तो आपका जो पहले GI डक्टिंग यूज हो, पहले एल्यूमिनियम यूज होता था फिर GI डक्टिंग यूज होना स्टार्ट हुआ, बट आप देखेंगे GI डक्टिंग को PI डक्टिंग के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। PI डक्टिंग होता है ये पॉलीयुरेथीन और फिनोलिक फॉर्म से मिलकर बना हुआ रहता है और इसके में क्या होता है 20 mm to 30 mm का पफ सीट रहता है। पफ ये आप देखिए येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पफ सीट रहता है और इसके ऊपर 25 to 200 μm की एल्यूमिनियम फिल्म चढ़ाई रहती है और इसे और इसका जो एडवांटेज होता है, इसका जो वेट होता है बहुत ज्यादा कम होता है और इसको बहुत कम टाइम में इसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मीन जो भी शेप में आपको चाहिए उस शेप में हम लोग इसको बना सकते हैं। ये राउंड शेप में और ओवल शेप में इसको यूज बहुत डिफिकल्ट होता है, इसका मोस्टली जो यूज होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के लिए हम लोग यूज करते हैं।
और इसका जो सब बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसका जो वेट होता है बहुत कम होता है, तो जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उसके ऊपर लोड नहीं आता है, और जो टाइम कंजम्पशन होता है बहुत कम टाइम के अंदर इसको हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका वो कर सकते हैं। चौथा होता है फैब्रिक मटेरियल, तो इसके नाम से ही मालूम पड़ता है इसको हम लोग फैब्रिक यूज करते हैं कि डक एयर को एक जगह से दूसरे जगह पर रिमूव करने के लिए। आप इमेज देख सकते हैं एक सिंगल यूनिट यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक फैब्रिक यूज किया हुआ है। जब नॉर्मली जब एयर जब फैन आपका चालू होगा तो अपने आप ये इसका साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, और यहाँ से जो होल्स बनाए हुए इसके थ्रू हम लोग एयर को एयर इससे बाहर निकलता है। इसका यूज जैसे एग्जीबिशन सेंटर हो गया, इसको मोबिलाइज जहाँ पे आप कर सकते हैं वहां पे यूज होता है। जैसे एक दिन आपने यहाँ पे एक शोरूम में यूज किया, दूसरे दिन आप दूसरे शोरूम में यूज कर सकते हैं। मैं जहां पे आपको फिक्स नहीं एयर कंडीशनिंग, आप तो डक्ट जो होता है डक्ट मान लीजिए एक बार आपने लगा दिया तो उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते उसको। ये इसमें क्या होता है कि बस आप और इसका जो इसको एक बार आप जहां भी यूनिट के साथ फिक्स कर दीजिए, उसके बाद जैसे ही आपका काम खत्म हो गया उसके बाद इसको आप फोल्ड कर सकते हो और दूसरे जगह पे ले जाके फिर से यूज कर सकते हो। डक डिजाइन, डक जो डिजाइन होती है तीन टाइप से डिजाइन होते हैं। पहला होता है वेलोसिटी मेथड, इसके अंदर क्या होता है जो डिजाइनर होता है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। जैसे अगर उसका ब्रांच डक्ट है तो उसमें 800 एफपीएम पर डिजाइन करेगा, अगर मेन डक्ट है तो उसके अंदर 1200 तक, और वेलोसिटी नॉइज और वेलोसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दूसरा मेथड होता है इक्वल फ्रिक्शन मेथड, इसके अंदर क्या होता है ब्रांच है मेन डक्ट है एक फिक्स स्टार्टिंग हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर पूरा जो डिजाइन होता है डिसाइड किया जाता है। तीसरा होता है स्टैटिक प्रेशर रिकवरी मेथड, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जितने भी हमारे टर्मिनल डिवाइसेस रहते हैं वहां पे स्टैटिक प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। ये कुछ फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना है डक्ट डिजाइन के टाइम पे। अगर आप डक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 0.08 इंच पर 100 फीट आपको रखना है। अगर ये नॉर्मल डक्टेबल यूनिट है अगर आपका या वीआरएफ का यूनिट है तो उसके लिए आप यूज करिए। अगर आप एचयू यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप 0.1 भी यूज कर सकते हैं, बट आपको जो वेलोसिटी है वो चेक करना पड़ेगा। जो एयर फ्लो है आपको लोड कैलकुलेशन से लेना है, आपको अज्यूम नहीं करना है। जो तीसरा है आपको जो एरिया है लेंथ का और विथ का जो रेशियो है 1:4 में आपको उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये रेशियो बढ़ जाएगा तो आपका जो नंबर ऑफ सीट्स यूज होगा वो बहुत ज्यादा यूज होगा, वेस्टेज आपका बहुत ज्यादा जाएगा और जो कॉस्ट है वो आपका इंक्रीज होगा। वेलोसिटी टू बी केप्ट एज पर एप्लीकेशन, आपको वेलोसिटी आपको एप्लीकेशन के हिसाब से रखना है। अगर मान लीजिए आपने ऑफिस यूज है, अगर आपका डक्टेबल यूनिट है तो उसके लिए आपको 1200 एफपीएम के ऊपर वेलोसिटी नहीं रखना है। अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आप 2500 तक यूज कर सकते हैं, तो आपको वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी जैसे इंक्रीज होगा नॉइज लेवल भी इंक्रीज होता है। थिकनेस ऑफ डक्ट, जो डक्ट की थिकनेस होती है वो हम लोग गेजेस में करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं 0.63 mm को हम लोग 24 गेज कॉल करते हैं। अगर 24 गेज है तो मीन 0.63 है, 22 गेज है तो 0.8 है, 20 गेज है तो 1, 18 गेज है तो 1.25, 16 गेज है तो 1.5, 14 गेज है तो 1.8 mm की थिकनेस की। इसको हम लोग mm में नहीं देखते हैं, डायरेक्टली हम लोग गेज में देखते हैं। और जो इसका जो साइजिंग होता है अप टू 300 जो होता है हम लोग GI यूज कर रहे हैं तो 0.63 मीन्स 24 गेज का, अप टू 750 देखेंगे तो 0.63 mm की सीट यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम में 0.8 mm की। बट ये डिपेंड कर रहा है आप कितने प्रेशर पे डिजाइन कर रहे हैं। मान लीजिए 500 पे कर रहे हैं तो ये 750 तक चलेगा, मान लीजिए अगर 1000 पे जाएंगे तो ये फैक्टर जो होते हैं चेंज हो जाता है। तो आपको जो इस मैकना की डेटा शीट है आप उसको उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी जो डक्टिंग का जो गेज है वो डिसाइड करने के लिए कितने प्रेशर पे डिजाइन हो रही है। ये एक एग्जांपल है इसके, जो डक्ट मैकवे का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग डक्ट डिजाइन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या है आपको जो फ्लो रेट डालना पड़ेगा और हेड लॉस डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डक्ट का कोई एक साइज डालना पड़ेगा और दूसरा साइज अपने को आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसका रेक्टेंगुलर में क्या इक्विवेलेंट डायमीटर होगा वो भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए 2200 की हमारी यूनिट है, उसका हेड लॉस हमने नॉर्मल डक्टेबल यूनिट है तो 0.08 सेलेक्ट किया, तो वेलोसिटी हमको 1200 तक अलाउड है, तो 1200 हम तो देख रहे हैं 1055 आ रहा है तो इश्यू कोई नहीं है। अगर रेक्टेंगुलर डक्टिंग हमको डिजाइन करना है तो हमको 19.5 इंच का डायर का डक्ट लेना पड़ेगा, मीन्स 20 इंच का ले सकते हैं। अब हमको रेक्टेंगुलर डक्ट चाहिए तो हम एक साइड डक्ट का डालेंगे 12 इंच हमने डाला तो दूसरा जो साइज है अपने आप 28 इंच आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एचयू के लिए देखते हैं, तो 1200 सीएफएम का फ्लोर माउंटेड एचयू है, उसका हेड लॉस एचयू है तो 0.1 तक ले सकते हैं, बट हम चेक किए वेलोसिटी 1500 तक हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी 1700 जा रहा है और उसका जो साइज देखेंगे 15/83 जा रहा है, तो ये एक्सपेक्ट रेशियो भी बहुत ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो साइज है ये थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा और 0.1 का जो फैक्टर है उसको भी कम करना पड़ेगा ताकि आपका जो वेलोसिटी है वो कंट्रोल हो सके। थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।